सुना है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके पैसा कमाया जाता है और आपने यूट्यूब पर चैनल ओपन करके यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है, या आपको एक बार सोचा है कि यूट्यूब पर आखिर कैसे पैसा कमाया जाता है और अगर यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है तो कितना मेहनत करना पड़ता है। एक एक चैनल आप लोग बना लेते हो और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू करते हो और उसके बाद ये सोचना शुरू करते हो, नींद भी नहीं आता है कि आखिर वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहा है। और सबसे पहले तो आपकी मन में जो कन्फ्यूज़ है मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैं एक न्यू यूट्यूबर्स नहीं हूँ, मेरा और 3 चैनल चल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके मेरा पुराना चैनल आप देख सकते हैं। तो आपको ये घबराना नहीं कि मैं एक न्यू यूट्यूबर्स हूँ और इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा हूँ, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया है। सबसे पहले तो देखिए सेटिंग्स होता है यूट्यूब चैनल की, एक एक सेटिंग्स होता है और एक एक सेटिंग्स की बहुत ही कीमती होता है। आपको लगता है कि मैंने तो सारा कुछ सेटिंग कंप्लीट कर लिया है, तो भाई आपने सारा कुछ सेटिंग्स कंप्लीट कर लिया है तो आपके वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, ये तो एक बार देखो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, दोस्तों देखिए यूट्यूब चैनल तो आप ओपन कर लेते हो लेकिन यूट्यूब चैनल की एक एक सेटिंग्स होता है, एक एक सेटिंग्स की काफ़ी कीमती होता है और एक एक सेटिंग होता है अगर आपने सेटिंग नहीं किया है तब भी चलता है, लेकिन एक एक सेटिंग होता है, इस सेटिंग्स के बिना आपकी चैनल जो है कभी भी ग्रो नहीं आप कर पाते हो। तो ये सेटिंग्स आपने किया, आपको लगता है तो आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, भाई आपने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है तो आपके वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, ये एक बार आप थिंक लगाया। अगर आपने सेटिंग्स के बारे में जरा भी सोचा होता है ना तो आपके वीडियो पर 100% व्यूज आना शुरू हो जाता है, लेकिन इसलिए व्यूज नहीं आ रहा है कि आपकी चैनल जो है चैनल की कुछ ऐसी सेटिंग्स होता है जिस सेटिंग्स के बारे में आपने अभी तक आपको पता नहीं कि क्या सेटिंग्स होता है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 3 सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो 3 सेटिंग्स के कारण आपके चैनल जो है परमानेंटली फ्रीज हो सकता है, यानी कि परमानेंटली आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड करते जाएंगे लेकिन आपके वीडियो पर कभी भी व्यूज नहीं आएंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसे चैनल आया है, चैनल में लगभग 600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और लगभग एक साल से काम कर रहा है, 148 वीडियोस अपलोड किया जा रहा है उस चैनल पर, लेकिन उसके बाद एक एक वीडियो अपलोड करने के बाद कितना व्यूज़ आता है पता है आपको? 4 से 5 व्यूज़ आता है और सब्सक्राइबर्स कितना है? 600 से ज़्यादा है। तो आपको ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से आपके वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहा है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप यूट्यूब पर काम करना चाहते हो, भाई मुझे पता है यूट्यूब पर कोई अमीर लोग नहीं आता है, यूट्यूब पर जो भी बंदा आता है यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला लोग आता है यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए। तो ये 3 सेटिंग्स क्या है आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपने ये 3 सेटिंग्स अभी तक कम्प्लीट नहीं किया है तो आपकी चैनल जो है ज़िंदगी भर यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन आपकी चैनल जो है कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ये 3 सेटिंग्स क्या है आपको स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं मेरा मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्ड जो है मैं चालू करता हूँ, और चालू करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, चलिए मैं यहाँ पर चालू कर लेता हूँ। हाँ मैंने चालू कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चालू करने के बाद सबसे पहले दोस्तों क्रोम ब्राउजर पर यूट्यूब ओपन करना है। काफ़ी यूट्यूबर्स तो ऐसे होते हैं कि आपको बड़े बड़े बात करते हैं लेकिन जो मेन सेटिंग्स है मेन सेटिंग्स के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर मेन सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं ना तो दूसरे दिन आप उनकी वीडियो नहीं देखते हो, क्योंकि आप तो सीख जाओगे। इसलिए जो मेन पॉइंट होता है मेन पॉइंट न्यू क्रिएटर्स को बड़े यूट्यूबर्स ने बिल्कुल नहीं बताते हैं, ये मुझे पता है। तो क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों टाइप करना है यहाँ पर studio.youtube.com। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ इसी तरह आपको काम करना है, studio.studio.youtube.com। देखिए studio.youtube.com इतना ही सर्च करके सर्च करना है, इतना ही लिख के उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पर अब देख सकते हैं तो नीचे एक ऑप्शन है कंटिन्यू टू स्टूडियो, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद YouTube की जो सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि 600 जिस चैनल पर सब्सक्राइबर्स है और एक एक वीडियो अपलोड करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 व्यूज आता है और उसके बाद वीडियो रुक जाता है, तो आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मेरा जो अकाउंट है मैं यहाँ पर सेटिंग्स कर लेता हूँ। स्विच अकाउंट ऑप्शंस पर क्लिक करके अगर आप दूसरा ईमेल यहाँ पर लॉगिन है तो आपकी जो YouTube का जो ईमेल आईडी है यहाँ पर लॉगिन करना है। तो स्विच अकाउंट ऑप्शंस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर जो भी चैनल आपको लॉगिन करना है लॉगिन कर लेना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको काफ़ी काम आने वाला है। मैं आपको कभी भी नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद है तो आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करोगे भाई, सब्सक्राइब करो। 100-100 बार बोलने से कुछ नहीं होता है, लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड जो है ओपन हो चुका है। तो नीचे यहाँ पर एक सेटिंग्स, एक छोटा सा सेटिंग्स मिलता है, मैं यहाँ पर जूम करता हूँ। इस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। इस सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यूट्यूब की जो चैनल की जो सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स आपके सामने डिस्प्ले होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर करेंसी जो है USD डॉलर, इस पर कोई चर्चा नहीं करना है। यहाँ पर आपको जाना है चैनल सेटिंग्स, चैनल्स के ऊपर क्लिक करना है। चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कीवर्ड है, तो ये मेन सेटिंग्स नहीं है और फिर भी मेन सेटिंग्स है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया है उसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ सेटिंग्स देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर से जाना है सेटिंग्स पर। देखिए एक बार बैक करने से क्या होता है, पूरा निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिर से सेटिंग्स ओपन करना है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चैनल जो है, मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पर अपलोड डिफ़ॉल्ट जो है इस ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी जो है, बाकी मतलब सेटिंग्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इस पर मैं आज बात नहीं करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक एडवांस सेटिंग्स देख सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरा जो फ्रेंड है 600 सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर सबसे बड़े जो सेटिंग्स होता है, मेरी बातों पर तो अब विश्वास करना है। अगर मेरा बातों में और काम में बराबर लगता है तो मेरा बातों को विश्वास करना है, अदरवाइज आप विश्वास नहीं करना है। वीडियो यहीं पर छोड़ के आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं ज़रा जूम करता हूँ, कैटेगरी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आपके जो चैनल होता है, चैनल पर आप जिस तरह वीडियो अपलोड करते हो उसी तरह दोस्तों आपको कैटेगरी आप सिलेक्ट नहीं करते हो। इसलिए क्या होता है कि आप जितना भी वीडियो अपलोड आपके चैनल पर कर लगी फिर भी आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने टेक रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो और आपने कैटेगरी जो है यहाँ पर क्लिक करके आपने सिलेक्ट कर लिया है कॉमेडी, तो भाई आपको एक बार ज़रा खुद ही आप एक बार अंदाज़ा लगाइए कि आपने टैग रिलेटेड आपके चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हो और आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया है कॉमेडी, तो जब आप वीडियो अपलोड करेंगे आपके चैनल पर उस टाइम यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम को क्या लगता है कि आपने जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हो कॉमेडी वाला देखने की जो ऑडियंस होता है उस ऑडियंस के सामने आपकी वीडियो जो है रिकमेंडेशन किया जाता है। तो आप भी ज़रा एक बार सोचिए कि जो लोग कॉमेडी देखते हैं, कॉमेडी वाला वीडियो देखते हैं, इन लोग क्या टेक रिलेटेड वीडियो देखेंगे? कभी बिल्कुल नहीं देखेंगे। इसलिए वीडियो अपलोड करते समय लास्ट में देखिए कुछ प्रोसेसिंग लेता है, उस प्रोसेसिंग में यूट्यूब को पता चलता है कि इस वीडियो को किन किन ऑडियंस के सामने रिकमेंडेशन किया जाता है। तो यहाँ पर मेरा फ्रेंड ने क्या किया कि टैग रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं और यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट किया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हाउ टू एंड स्टाइल, यह ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। तो देखिए कितना मतलब घटिया काम किया है,
टैग रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है और यहाँ पर कैटेगरी जो है सिलेक्ट किया है हाउ टू एंड स्टाइल जो कैटेगरी में वीडियो आता है यह अलग होता है और आपने कुछ और अलग आपके चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हो तो जब आप वीडियो अपलोड करेंगे उस टाइम YouTube की जो एल्गोरिदम है एल्गोरिदम को पता चलता है कि हाउ टू स्टाइल जो ऑडियंस वीडियो देखने वाले हैं उसी के सामने वीडियो रिकमेंडेशन किया जाता है। टैग रिलेटेड ऑडियंस के सामने वीडियो रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि किस टाइप की वीडियो आप अपलोड कर रहे हो। जैसे कि अगर आप YouTube रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो या सरकारी सर्विस या स्कीम के बारे में आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको टाइप करना है यहाँ पर सिलेक्ट करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करना है। अगर आपको दूसरा किसी जैसे कि गेमिंग है तो गेमिंग यहाँ पर डायरेक्ट आप देख सकते हैं गेमिंग आप चूज करना है। तो दोस्तों इसी तरह आपको जो मेन कैटेगरी है मेन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। आपके वीडियो के रिलेटेड जो भी कैटेगरी बनता है वही यहाँ से आपको चूज करना है। उसके बाद दोस्तों आप वीडियो अपलोड कीजिए। आप देख सकते हैं खुद ही आपके चैनल जो है ग्रो करना शुरू करता है। तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चूज करना है। बाकी बात आती है दोस्तों और मैं एक एग्जांपल देखिए मेरा एक आदत है कि हर एक बातों में मैं उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए आपकी वीडियो में आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं ये इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं और आपके वीडियो पर तो पूरा लैंग्वेज इंग्लिश है और आपके जो वीडियो हैं यूट्यूब ने किसी बंगाली या हिंदी वाले के सामने रिकमेंडेशन किया है तो आपके जो वीडियो है हिंदी वाला जो लोग हिंदी समझते हैं और इंग्लिश बिल्कुल नहीं तो क्या आपके वीडियो देखेंगे हिंदी वाले? बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो ये काफ़ी लोग गलती करते हैं कि आपके वीडियो में कौन सा लैंग्वेज से आप इस्तेमाल करते हैं कौन सा लैंग्वेज आप बात करते हैं कौन सा लैंग्वेज से ये आपको सिलेक्ट करना 100% से 10% मैंडेटरी है। तो ये काफ़ी लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो लैंग्वेज आपके वीडियो पर जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं वही आपको क्या करना है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अब YouTube को पता चलता है कि आपके वीडियो पर कौन सा लैंग्वेज है तो जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं उसी लैंग्वेज के हिसाब से उसी ऑडियंस के सामने वीडियो को रिकमेंडेशन किया जाता है। आपके मनमानी से कोई भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो तो भाई आपके वीडियो पर कभी भी व्यूज नहीं आएंगे या 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। मेरा चैनल पर लफड़ा वीडियो देखने को नहीं मिलता है, मुझे उल्टा पल्टा वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आता है और मुझे गुस्सा भी आता है, इसलिए मैंने ये चैनल ओपन किया है। तो यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो जो है वीडियो में मैं हिंदी बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने वीडियो लैंग्वेज जो है हिंदी सेलेक्ट किया है। तो ये दोनों सेलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पर सेव ऑप्शन है, सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी सेटिंग्स है, तो कितना सेटिंग्स हुआ है? 2 सेटिंग्स हुआ है। अब बाकी और एक है मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, इसके लिए आपको जाना है कहाँ? YouTube ऐप ओपन करना है। YouTube ऐप ओपन करने के बाद YouTube की जो लोगो है लोगो के ऊपर क्लिक करना है। लोगो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूआर चैनल जो ऑप्शंस है इस ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, एडिट चैनल मैनेज वीडियोस, एडिट चैनल ऑप्शंस पर क्लिक करना है। एडिट चैनल ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्राइवेसी आप देख सकते हो, काफ़ी लोग आपको नहीं बताते होंगे शायद इतना क्लियरली। प्राइवेसी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, ये ऑफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑफ करके रखा है। कीप ऑल माई वीडियो सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, यानी कि आपने जो भी चैनल फॉलो करके आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड करते हो यह आपको ऑफ करना है। मान लीजिए आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स है और किसी ऑडियंस ने आपके वीडियो पर क्लिक किया है और आपके चैनल जो है पूरा एक बार चेक किया है, चेक करने के बाद ऑडियंस को पता चलता है कि आप किस चैनल को फॉलो करके आप वीडियो बना रहे हो, तो ये आपको बहुत ही मतलब घटिया बहुत ही खतरनाक सेटिंग होता है, यह आपको ऑफ करना है। ऑडियंस को नहीं पता चलना है कि आप किस चैनल को फॉलो करके आपके चैनल पर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, यहाँ पर ऑफ करना है। सेकंड जो है कीप ऑल माय सेव प्लेलिस्ट प्राइवेट, जितना भी प्लेलिस्ट है यह आपको प्राइवेट करना है।
क्योंकि ऑडियंस को पता लगता है कि आप किस प्लेलिस्ट यानी कि किस चैनल की प्लेलिस्ट आप फॉलो कर रहे हो, और फॉलो करके आप वीडियो कॉपी करके आपके चैनल पर आप अपलोड कर रहे हो। ये तीनों सेटिंग्स मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होता है, और बाकी और भी इंपॉर्टेंट है लेकिन आज के इस वीडियो में आपको नहीं मैं बताऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं करना है, मेरा डायरेक्टली बात है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। वीडियो पसंद नहीं तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट निकल जाना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और एन अदर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।